ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। सिंधी समाज के शहीदों को याद करते हुए दिल्ली विधानसभा में एक शाम शहीदों के नाम की गई। सिंधी समाज के तमाम लोगों के साथ विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता पुनीत गुप्ता की खास रिपोर्ट। अंग्रेजन का बदलो वठण जो हे मुंह कसम हो खादो, अंग्रेजन का बदलो वठण जो हे मुंह कसम हो खादो, बम बारूद स भर लगादी केरा इन जो इरादो। 23 मार्च 1923 को जन्मे हमारे शहीद हेमू कालानी, सखर जिले में उनका जन्म हुआ और शुरू से ही बचपन से ही वो एक क्रांतिकारी की तरह रहे। जब वो 8 वर्ष के थे तब शहीद आज़म भगत सिंह को फांसी जिस दिन लगी थी उस दिन उन्होंने स्वयं एक फांसी का फंदा बनाया और अपने ऊपर गर्दन पे लगाया। उनकी माँ देख रही थी कि बेटा ये क्या कर रहा है, कहती माँ आज हमारे एक शहीद को फांसी लग रही है, मैं भी लगा के देखूँ कैसा होता है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पुनीत गुप्ता। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सिंधी समाज भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। विधानसभा परिसर में आज बड़ा कार्यक्रम इस मौके पर किया जा रहा है जिसमें सिंधी समाज के तमाम लोग इसमें पहुंच रहे हैं। सिंधी एकेडमी भी इसमें शिरकत कर रही है, इसमें कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम किया गया और ये जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं ये तमाम उन लोगों की प्रदर्शनी है जिन्होंने देश को आज़ादी कराने के लिए बड़ी जंग लड़ी। इस कार्यक्रम में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। विधानसभा परिसर का ये क्षेत्र है और बड़ा खास ये कार्यक्रम होने जा रहा है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सिंधी समाज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, जिन्होंने शहीदों की पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। हेमू कालानी जी का जन्मदिन है, मां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को हम याद न कर उनका बलिदान दिवस। सुबह हमने बलिदान दिवस मनाया, एलजी भी उसमें सम्मिलित हुए, उन्होंने भी पुष्पांजलि की, मुख्यमंत्री जी भी थे, मनीष जी भी थे और शाम को हमें जन्मदिन मना रहे हैं। ये गरिमा है भारत के क्रांतिकारियों के इतिहास की। दो साथी आए, मैंने कहा जी हेमू कालानी जी का चित्र यहाँ नहीं लगा, 72 चित्र मैंने लगाए थे। गैलरी में आप जाएंगे विधानसभा के, हेमू कालानी जी का चित्र, मैंने कहा लाइए जरूर लगाएंगे, समाज के कितने लोग आएंगे। उस वक्त मैं आश्चर्यचकित रह गया, मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे, कम से कम 1,500-2,000 लोग पूरे बॉम्बे से भी यहाँ आए थे और उस वक्त मुझे सिंधी समाज की एकता का, हेमू कालानी जी के प्रति उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा का आभास हुआ। सिंधी अकादमी के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार खत्री ने बताया कि हेमू कालानी सिर्फ सिंधी समाज की नहीं बल्कि पूरे देश की शान है। 1923 को जन्मे हमारे शहीद हेमू कालानी, सखर जिले में उनका जन्म हुआ और शुरू से ही बचपन से ही वो एक क्रांतिकारी की तरह रहे। जब वो 8 वर्ष के थे तब शहीद आज़म भगत सिंह को फांसी जिस दिन लगी थी उस दिन उन्होंने स्वयं एक फांसी का फंदा बनाया और अपने ऊपर गर्दन पे लगाया। उनकी माँ देख रही थी कि बेटा ये क्या कर रहा है, कहती माँ आज हमारे एक शहीद को फांसी लग रही है, मैं भी लगा के देखूँ कैसा होता है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। माँ ने उनको सोचा कि अटकली कर रहा है मेरा बच्चा, छोड़ दिया, परंतु उनके अंदर एक जज्बा था इस देश के लिए, इस देश में अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ादी पाने के लिए। वो उसके बाद जब 14 वर्ष के थे एक उन्होंने टोली बनाई जो सवेरे प्रभात फेरी के नाम से निकलती थी, भारत माता जिंदाबाद और इनकलाब के नारे लगाते हुए गली गली में घूमते थे। इस समारोह में सिंधी भाषा में कवि सम्मेलन और भजनों की प्रस्तुति की गई। जन्म
माओ भवानी जी ये भूमि जुंग जवानन जी ये भूमि चोन डिया जिंद जान ओ साथी मुंजो देश महान अचो अजमेर मां सिधी हिकड़ी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़े छत्तीसगढ़ जे राज दादे रायपुर हलऊं ए रायपुर मां अठा तमाम नाम नाम ना मेरा कवि असा जा शायर ए व्यंगकार जेके खिलाड़ जी कला जानन दा विधानसभा चुनाव निकतो हो रुजान हिक पर बियो अंजाम निकतो रुझान हिप पर बियो अंजाम दितो बस स्टूडियो फोन का वो गजल त सिक सा जे पुकारे त जी वठदुस सिक सा जे पुकारे त जी वठदुस हे त रात गद गुजारे त जी वठ माता जे अखड़िन जो तारो पेसू मल जे दिल जो दुलारो हेमो हीर असान जो प्यारो नंडपण खा हो सब खा जुदा नंडपण खा हो सब खा जुदा देश भक्ति हुई इन लाय खुदा नंडपण खा हो सब खा जुदा देश भक्ति हुई इन लाय खुदा आजादी जो हो मतवालो देश प्रेम जो हो दीवानो। इस कार्यक्रम में पहुंचे सिंधी समाज के तमाम लोग बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा लगा, सारा समाज इकट्ठा हुआ है और अध्यक्ष ने भी यहाँ पर आके स्पीच भी दिया और सबको इकट्ठा रखा, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रामनिवास गोयल जी के अध्यक्ष में ये प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छा था कि सिंधी समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग आए हुए थे और सबसे मुलाकात का एक अच्छा मौका था। यहाँ पर जो विधानसभा सच के स्पीकर महोदय गोयल साहब ने जो उद्बोधन दिया वो अपने आप में है, सिंधी समाज के लिए तो बहुत गौरवान्वित करने वाला है। पर इससे पता भी चलता है कि उनके मन में विभिन्न संस्कृतियों के प्रति कितना सम्मान है, आदर है। 75वें जन्म शताब्दी समारोह का ये शुभारंभ आज दिल्ली विधानसभा में माध्यम से शुभारंभ हुआ। मैं सबको बधाई देते हुए जो भी आयोजक उनको बहुत 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 बधाई, ऐसे सुंदर प्रोग्राम होते रहे। अजनी सभागो आयो असांजे हेमू जो जन्मनी आयो असांजे हेमू जो जन्मनी आयो मात केक मिठायूं विराईंदस मात संगत के भी घुराईंदस अजनी सभागो आयो आयो लाल सवई चो जुए। देखा आपने कि सिंधी भाषा में गीतों के द्वारा आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया और कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा, विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम था, उस सिंधी समाज के तमाम लोग हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे और यहाँ पे आज एक ये भी निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में एक बड़ा कार्यक्रम इसी विधानसभा में दोबारा किया जाएगा। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर